मोनेटाइजेशन के बारे में एक विशेष अपडेट आपके साथ साझा करना चाहता हूं। YouTube ने यह कहा है कि अगर आपके 500 सब्सक्राइबर हों और 3000 घंटा पूरा हो चुका हो तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मतलब उस पर विज्ञापन आएंगे और पैसे मिलने लगेंगे। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनके 500 सब्सक्राइबर हुए और साथ में 3000 घंटा भी पूरा हुआ, लेकिन अचानक उनका चलते चलते मोनेटाइजेशन बंद हो गया। आज इसी समस्या पर चर्चा करने जा रहा हूं और आपको बताऊंगा कि मोनेटाइजेशन क्यों बंद हुआ होगा और उसका उपाय क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, देखिए यह उनको संदेश आया था कि योर चैनल इज नॉट करेंटली एबल टू अर्न, मतलब आपका चैनल कमाई करना बंद कर दिया है। इसमें आगे था क्यों किया है, व्हाट हैपेंड, मतलब क्यों क्या हुआ है। तो इसमें यह देखा गया है कि इसके ऑटोमेटिक सिस्टम ने और इसको लोगों ने रिव्यू किया है, तो उसमें पाया गया है कि रीयूज्ड कंटेंट है, मतलब उसमें जो भी कंटेंट आप व्यवहार किए हैं वह किसी और ने भी कभी व्यवहार किया है जिसके कारण आपके चैनल में आया है। अब रीयूज्ड कंटेंट का यहाँ जो तीर सा बना हुआ है, यहाँ क्लिक करने के बाद थोड़ा आगे जाने के बाद दो विकल्प दिखाता है। हियर इज वॉट यू कैन डू, ऑप्शन एक, अपील इफ यू थिंक दैट वी मेड ए मिस्टेक, अगर आपको लगता है कि कोई गलती YouTube ने किया है तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं। उसके लिए काला बटन रहेगा स्टार्ट अपील पर, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है एडिट योर चैनल एंड रीअप्लाई, आपको अपना चैनल फिर से एडिट करना है और उसके लिए आपको दोबारा आवेदन करना है। यह समस्या क्यों आई उनके चैनल में, जिसके चैनल में यह समस्या आई थी, उनके चैनल में खाली वीडियो पड़ता था वॉइस ओवर के साथ में, उसके अलावा बाकी लोगों में जो आती है, जैसे एक मित्र और हैं उनके चैनल में समस्या आई है, तो यह मैं आपको व्यक्तिगत रूप से दिखाने जा रहा हूं कि जब आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल से वीडियो अपलोड करते हैं, मोबाइल से वीडियो अपलोड करने के कारण वह विशेष ऑप्शन हम छोड़ देते हैं, और अगर वह विशेष ऑप्शन छोड़ देते हैं तो आपके मोनेटाइजेशन में कमी आने की संभावना बनी रहती है। तो पहला काम आपको करना है, जैसे यहाँ अपील करना है तो स्टार्ट करना है। अपील करने के लिए क्या करना होगा इसके ऊपर मैं आपको तुरंत बताने जा रहा हूं, अंत तक बने रहिएगा। चलिए मैं अब समस्या की जड़ में चलता हूं। देखिए यह मैं डेस्कटॉप से कर रहा हूं, लैपटॉप से। यहां हमारे चैनल का लोगो है, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद YouTube स्टूडियो में आप क्लिक करेंगे। YouTube स्टूडियो में जब आप क्लिक करेंगे तो यहां देखिए चैनल लोगो के साथ यह क्रिएट का विकल्प देखिए, क्रिएट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ ऑप्शन आता है अपलोड वीडियो, अपलोड वीडियो पे क्लिक करिए। यहाँ सेलेक्ट फाइल करिए जो आप आमतौर पर करते हैं, जैसे फाइल सेलेक्ट किया, एक वीडियो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं यह एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वीडियो सेलेक्ट हो गया, आप इसमें जो भी विवरण डालना है यह सब डिटेल डाल दीजिए। मैंने यह सब डिटेल डाल दिया है। डिटेल डालने के बाद यहाँ देखिए शो मोर का ऑप्शन आता है, आप शो मोर के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद यहाँ देखिए एक ऑप्शन पूछता है, ये अल्टर्ड कंटेंट, ये लिखा है अल्टर्ड कंटेंट। क्या होता है, जब आप वॉइस ओवर खाली देते हैं जिसमें आपका वीडियो नहीं दिखता है तो उसको वॉइस ओवर कहते हैं। अल्टर्ड कंटेंट का मतलब यह है, कह रहा है कि कहीं आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो नहीं बना रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाते हैं तो आपके चैनल का मोनेटाइजेशन होना बंद होने की संभावनाएं रहती है। तो यहाँ अल्टर्ड कंटेंट में आपको नो करना है। नो करने के बाद फिर आपको आगे बढ़ना है और आपकी जो चीजें हैं आप इसमें टैग वगैरह डाल करके यह नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाइए और आपका चैनल अपलोड हो जाता है। इतना अगर आप नहीं करते हैं, जैसे मेरे मित्र जिन्होंने साझा किया था उन्होंने इतना नहीं किया था, इसके कारण उनका चैनल मोनेटाइज होना बंद हो गया। अब देखिए बंद हुआ है यह हमें पता कैसे चलेगा, यह हमारा चैनल है, चैनल का हमारा नाम है समाचार दर्पण। हम इसमें चलते हैं, देखिए यहाँ आने के बाद यहाँ अर्न का एक ऑप्शन आता है। चूंकि मेरा अभी शुरू नहीं हुआ है उस लेवल पे, ये नया चैनल है, अभी थोड़े दिन हुआ बनाए हुए, तो इसमें उतनी वो नहीं है, 436 घंटे हुए। अगर आपका मोनेटाइज हुआ है और किसी तरह की दिक्कत आती है तो यहाँ इस एरिया में आपको दिखा देगा कि आपको क्यों करना है, और वहीं से देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है, आप वहां से अप्लाई करके मोनेटाइजेशन के लिए जा सकते हैं। अब यह समस्या है कि हम में से बहुत लोग
मोबाइल से अपलोड करते हैं, तो अगर आप मोबाइल से अपलोड करते हैं वीडियो, तो उसमें भी ऑप्शन है। उसमें तीन ऑप्शन रहता है, YouTube स्टूडियो से करते हैं, YouTube क्रिएट से करते हैं, और तीसरा ऑप्शन है आप गूगल में, गूगल क्रोम आपके मोबाइल में, वहां से करते हैं। आइए मैं वह दिखाता हूं कि आप कैसे गूगल क्रोम से करेंगे। मोबाइल में गूगल क्रोम खोलें और उसके बाद फिर वहाँ YouTube टाइप करिए। YouTube हमने टाइप किया, ये देखिए YouTube खुल गया। अब ये सबसे ऊपर आपका फोटो दिख रहा है, यहाँ क्लिक करें, उसमें YouTube स्टूडियो लिखा हुआ दिखाई देगा। देखिए यह YouTube स्टूडियो, उसको हम दबा के रखेंगे। दबा के रखते ही उसमें ऑप्शन आएगा ओपन इन न्यू टैब, आप उसको क्लिक करेंगे तो ये नए टैब में खुल जाएगा। नए टैब खुलने के बाद देखिए YouTube स्टूडियो ऐसे दिख रहा है। यहाँ हम क्रिएट पर जाएंगे, जैसे आप जाते हैं क्रिएट पर जाने के बाद वही जो मैंने अभी आपको डेस्कटॉप पर दिखाया था उसी तरह से आप इसमें वीडियो ऐड करते जाएंगे। देखिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ऐड करता जा रहा हूँ। यह प्रक्रिया पूरी करने